बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब इसे व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुदाना चीला बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी साबुदाना। हमने साबुदाना को साफ किया हुआ लिया है, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के लिए हमें इसे बारीक पीस लेना है। हमने इसे बारीक पीस लिया है, किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इस पर भिगा देते हैं। और भिगाने के लिए हमने लिया है दही, 3 से 4 चम्मच ले लें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे डाल के अच्छे से मिला लें। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है ताकि गीला ना हो, इन्हें चलाते हुए मिक्स कर लें। पानी हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा हो गया था। ये डाल के और मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही ऐड करें ताकि गीला ना हो। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सकते हमने इसे ढक दिया, इसे दूसरी तरफ कर देंगे। साबुदाना अच्छे से फुल के रेडी होगा, तब तक हमने एक रख दिया पैन। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली और इन्हें फ्राई कर लेंगे। और इनको फ्राई करने के लिए हमें किसी तेल या घी की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करें, नहीं तो ये कहीं काले हो जाते हैं। ऐसे ही चलाते रहें और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें से चट-चट की आवाज़ आ रही है, कहीं कहीं फटा दिख रहा है, इसका मतलब मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। निकालने के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। मूंगफली को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लग जाता है। भुने हुए मूंगफली को अच्छे से ठंडा कर लेना है, इसके छिलके निकाल लेने और फिर इन्हें बारीक ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं साबुदाना अच्छे से फूल गया है। अब थोड़ा सा इन्हें पानी डाल के अच्छे से गीला कर लेंगे। इन्हें चलाते हुए अच्छे से घोल लें। अगर फिर भी आपका बैटर अच्छे से नहीं घुलता है तो आप इसके मिक्सी के जार में डाल के एक बार इसे चला लें ताकि अच्छे से और स्मूथ हो जाएगा। अच्छे से फेंट लेने। बस इसमें डाल देंगे पिसी हुई मूंगफली, उबले हुए आलू, इन्हें अच्छे से क्रश कर लेंगे। ऐसे सबको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से फेंट लें ताकि एक सा हो जाए। देख सकते बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें गीला कर लें। हमने इसे फेंटते हुए अच्छे से कर लिया। फेंटते हुए हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे अदरक, हरी मिर्च, जीरा और धनिया पत्ता। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने घर पर कूट के बनाया है। और थोड़ा सा डाल देंगे सेंधा नमक और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। आप काली मिर्च पाउडर और नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये करके हमने अपना बैटर बना के रेडी कर लिया। इसे दूसरी तरफ कर देते हैं और इसके बाद हम मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। तो हमने पीसी हुई मूंगफली में इन्हें ऐड कर लेंगे, एक लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे अदरक जिन्हें हम अच्छे से क्रश कर लिया था, सेंधा नमक और साथ ही में डाल देंगे कड़ी पत्ता। इन सबको डाल के थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि हमारी मूंगफली की चटनी बनके रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऊपर से नींबू रस और थोड़ा सा इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो पीसने के पहले भी इसे ऐड कर सकते हैं। खाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे नींबू और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी को बनाने के लिए हमने रख दिया तवा गर्म करने के लिए, साथ ही इसमें थोड़ा सा ऐसे तेल ग्रीस कर देंगे या घी आपके पास जो भी हो। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, अब इस पर हल्के हाथों से डाल के फैला लें। हमने इसे अच्छे से फैला लिया और 1 से 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि चीला अच्छे से निकल जाए और तवे में चिपके ना। थोड़ा सा इसके ऊपर से तेल डाल देंगे ताकि अच्छे से निकले और इन्हें ऐसे ही करते हुए निकाल लें। ठीक करके हमने इसे दूसरी साइड से पलट लिया, थोड़ा सा इन्हें और सेक लेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा करारा हो जाए। इसलिए हमारा चीला बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और फिर इन्हें ऐसे तेल से ग्रीस कर लें करके हम सेकेंड चीला भी डाल देंगे। ऐसे ही करके हम सेकेंड चीला भी पलट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड चीला भी बनके रेडी हो गया। और ऐसे ही करके आप अपने सारे चीले को बना के रेडी कर लें। इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं चीला बनके रेडी हो गया, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे मूँगफली की चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहें तो धनिया की चटनी, मूँगफली की चटनी या नारियल की चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ऐसे ही करके हमने अपने परफेक्ट चीला बना के रेडी कर लिया।
सकते हैं हमारा परफेक्ट साबुदाना चीला बनके रेडी हो गया, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। हम रोज रोज एक ही व्रत का खाना खा के उठ जाते हैं, हमें हर रोज़ कुछ बदलने की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको भी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी को बाय बाय।